हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम द ग्रज, जो कि जापानीज मूवी जुआन पर बेस्ड है। जुआन दरअसल क्लासिक हॉरर मूवी है, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो इस मूवी से भी डरावनी है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज हम द ग्रज मूवी के पीछे की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जुआन, इस शब्द का अर्थ होता है कर्ज ग्रज, जो कि एक जापानीज मूवी सीरीज है। ये फिल्म इतनी हिट और पॉपुलर हुई थी ना कि अमेरिकन दर्शकों के लिए इस फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला किया गया और फाइनली 2004 में अमेरिका में द ग्रज मूवी रिलीज हुई, जिसे सारा माइकल गेलर और ताकेशी सिमोजो ने डायरेक्ट किया। इस मूवी ने टोटल $187 मिलियन का कारोबार किया और यह एक इंस्टेंट सक्सेस था और आज तक या अब तक की बनाई गई सबसे अजीब फिल्मों में से एक के रूप में जानी जाती है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि यह बेहद खौफनाक फिल्म, जो आपकी रातों की नींद हराम करती है, वास्तव में एक सच्ची कहानी पर आधारित है, ना कि कोई काल्पनिक रचना। असल में वास्तविक कहानी मूवी एडाप्टेशन से भी ज़्यादा स्कैरी है। कायोको एक लड़की थी जो जापान में रहती थी। जब वह छोटी थी तब उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने अपने ज़्यादातर बचपन अकेले बिताया और उसके पेरेंट्स ने भी उसे नेगलेक्ट किया, जिस वजह से वह दुखी और उदास रहती थी। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी हो गई, वो एक व्यक्ति जिसका नाम टाइको था उससे मिली। टाइको उस दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसने उसकी परवाह की, और फिर उसे टाइको से प्यार हो गया। उसने टाइको से शादी भी कर ली और उन्हें एक बेटा होता है। टाइको से मिलने से पहले कायोको कपल्स को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी। उसे एक व्यक्ति पर क्रश तो था, और उसे कभी भी हिम्मत ही नहीं हुआ उससे बात करने की। खैर, एक दिन टाइको घर के चारों ओर देख रहा था, मानो वो कुछ खोज रहा हो। तभी उसे कायोको की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कायोको ने उस व्यक्ति के बारे में लिखा था जिस पर उसे क्रश था। यह ना जानते हुए कि वह डायरी काफ़ी पुरानी थी और उन दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, टाइको को यह यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। जब अपने काम पे से कायोको घर आई, तब उसने पाया कि टाइको गुस्से से पागल हो चुका है और उसने अपने हाथों में नाइफ को पकड़ा हुआ है। कायोको ने उससे पूछा भी कि तुम्हें क्या हुआ है, पर टाइको तो इतने गुस्से से भरा हुआ था जिसने उसकी सोचने की क्षमता को ही कम कर दिया था, और वो कायको पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसका गला काट दिया और अपने बच्चों के सामने ही उसने कायको को बहुत मारा। कायको ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने ही खून पर फिसल गई। तभी टाइको वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट देता है। यह माना जाता है कि कायको को सिर्फ लकवा मारा था, वह अब भी जिंदा थी, पर टाइको ने उसे खींचकर एक जगह बंद करके सड़ने दिया। उनका बेटा लगातार रो रहा था और अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर टाइको ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चे को बाथरूम में डुबो कर मार डाला। कायको के मरने के बाद उसकी आत्मा एक तामसिक स्प्रिट में बदल गई। माना जाता है कि जब कोई बड़े पैमाने पर दर्द और पीड़ा से मरता है, तब वह आत्मा में बदल जाता है, और ऐसा ही कायको के साथ हुआ। आत्मा बनने के बाद कायको ने अपने पति को अपने बालों के जरिए गला घोटकर मार डाला। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो उन्हें केवल टाइको की बॉडी मिली और यह माना गया कि उसने आत्महत्या की है। तब से कायको की तामसिक स्प्रिट उस घर में रहती है और माना जाता है कि जो भी उस घर में आता है उसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। रात के वक्त एक अजीब क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है, जिसे आस पड़ोस के लोग सुनकर कांप जाते हैं, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों को घर के बाहर मृत जानवर मिले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और हमारे वीडियोस को लेकर अगर आपके पास किसी भी तरह का सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में। सी यू गाइस।